नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं देश की आवाज। देश की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेकर ही जनता के सामने आते हैं और साथ ही आम राय जानने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या सोचती है इस आम मुद्दे पर। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं, जींद में 2019 के चुनाव का आगाज करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज एक रैली की, बाइक रैली की और करीब 1,00,000 बाइकर्स इस रैली में शामिल हुए। लेकिन इसके साथ ही अब आपको बता दें कि इस मुद्दे को जनता के सामने लाने का एक खास मकसद यह है क्योंकि इस दौरान अमित शाह ने हालांकि सरकार का हिसाब दिया, इतने साल 2014 के बाद से अब तक का हिसाब किताब जो है वो पेश किया, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। और साथ ही एक बार फिर से यहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान 10 की 10 सीट जीतने की बात भी उन्होंने कही है, जीत का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की कोशिश की। लेकिन साथ ही इसके बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अमित शाह जो जींद में आकर यहां पर जीत की हुंकार भर कर गए हैं, उसके बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो इसी बीच आज के सवाल क्या हैं वो आपको अब दिखाते हैं। आज के सवाल हैं कि क्या अमित शाह ने पाई पाई का हिसाब दिया है, क्या जनता को ऐसा लगता है, हरियाणा की जनता दोबारा क्या बीजेपी सरकार को प्रदेश में चाहती है, क्या 2019 चुनावों में जनता बीजेपी को 10 सीटें देगी, भ्रष्टाचार परिवारवाद से मुक्त हो पाया है क्या हरियाणा, क्या पिछली सरकार के गड्ढे भर पाई है बीजेपी सरकार, और साथ ही कि क्या अमित शाह ने पाई पाई का हिसाब दिया, ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सुरेंद्र हमारे साथ पहले दर्शक कैथल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, अपनी बात रखिए। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, ऐसा है हमारे देश के अंदर 70 सालों से सत्ता ही तो बदल रही है लेकिन व्यवस्था ही नहीं बदली जी। इन लोगों की एक ही मानसिकता होती है, ये लोगों को बहका के शराब पिला के या कहिए दहाड़ी पिला के रैलियां सक्सेस करते हैं, चाहे कोई भी दल है। जब किसान पराली फूकता है तो पॉल्यूशन होता है, जब राजनीतिक दल इतनी इतनी बढ़िया रैलियां करते हैं तो पहले वहां मिलती है लोगों को, यहाँ हजारों लाखों रुपए का पेट्रोल जी। चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल सवाल जो है इसको लेकर भी उठ रहे हैं। इसी बीच राजेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक पंचकुला से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका राजेंद्र, बात रखिए अपनी। मैडम जी, इसमें दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, भाई भतीजावाद खत्म हुआ है, नो डाउट। विकास की बात जहाँ तक मनोहरलाल जी ने कहा है, अब हम यहाँ जा रहे हैं अपना क्या बोलते हैं, अरे जी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया हूँ, अरे समान विकास, समान काम समान विकास वाली बात कही है, और मतलब सबका साथ सबका विकास, ये वास्तव में इसकी अच्छी तारीफ है जी। चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच अरुण कुमार हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका अरुण, बात रखिए अपनी। हाँ जी मैम, मैम जैसे बीजेपी सरकार हरियाणा में रोजगार के मामले में मैं 10 में से एक नंबर देता हूँ इसको, क्योंकि अभी तक टीचर की भर्ती के लिए इन्होंने कुछ भी कदम नहीं उठाया है। हरियाणा का बेरोजगार युवा है वो वही खड़ा है, वही नौकरी की आस लिए बैठा है, हर रोज आता है कि कोर्ट ये मामला भी, सभी लगभग सभी वैकेंसी कोर्ट में चल रही है। अब सरकार के हाथ में नहीं है कि अपना पक्ष है वो मजबूती से रखे वहाँ पे जी। अब युवा इससे वेट में रहते कि अब भाई अपडेट मिलेगी या स्टेट पे फैसला होगा, स्टेट पे फैसला होगा जी। मतलब मुख्यमंत्री खट्टर ने बोला था कि 1 नवंबर को हम क्लर्क की भर्ती कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन उन्होंने कहाँ गई भर्ती, वो कोई है जवाब मांगने वाला इनसे जी। चलिए बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी बीच बंसीलाल हमारे साथ भिवानी से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका बंसीलाल, बात रखिए अपनी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहली बात तो ये है जी, देश काल परिस्थिति देखते हुए ये रैली ही नहीं होनी चाहिए थी। इस रैली पर लगभग सारा खर्चा जोड़ा जाए जो फोर्स मंगाई है वहां तक का 300 करोड़ रुपए हुआ है, 2 मेडिकल कॉलेज जला दिया सरकार ने खुद, रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी, कानून व्यवस्था बना नहीं सकी, सरकार का पहला काम होता है, बलात्कार हत्या आत्महत्या सबसे ज्यादा होती है, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान की बुरी दशा है, युवा एकदम आक्रोशित हो रहा है, फिर ये किस चीज का अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं जी। और भ्रष्टाचार की बात है, आप देखिए ये तो सामने पा रहे हैं किसने लिए, ओवरलोड कैसे कैसे चलते हैं, ठेके उठते हैं,
थाना लेके उसके एफ आई आर दर्ज नहीं होती, कौन सी बात कर रहे हैं? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने रोड बनाए हैं, गलियां पक्की कर रहे हैं, परंतु ये नहीं है कि ये खड्डे भर रहे हैं, ये जनता के लिए कबर खोद रही है सरकार, और सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जनता की आवाज सुनी नहीं जाती, और देश को इन्होंने हरियाणा को जातिवाद में तो बाटा बाटा, हरियाणा को क्रांति। बहुत शुक्रिया बंसीलाल अपनी बात रखने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ सुरेंद्र अगले दर्शक चीन से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र, बात रखिए अपनी। हेलो जी सुरेंद्र, बात रखिए अपनी। हाँ जी, मैं चीन से बोल रहा हूँ मैडम जी। जी मैं ये कहना चाहूंगा चीन रैली सफल है, चीन को रैलियों के लिए जाना जाता है। हाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा रैलियां होती है, लेकिन जितनी पहले रैलियां रही सबसे बहुत ज्यादा जाम लगता था। आज मैंने इस बात से खुश हूँ कि जींद के अंदर मैं तो कोई जाम की स्थिति हुई, रैली बहुत बढ़िया रही। इस चीज में देखने में आया कि कई चीजें जींद के अंदर, कई रोडों पे काम चल रहे हैं, कई अच्छी चीजें हो रही हैं। हम जींद के लिए इस बात से कहते हैं कि बार बार जींद को यही कहा जाता है कि ये रैली स्थल है, आज जनता को कोई दिक्कत नहीं हुई जिंदगी जीकर, यही मैं चाहूंगा। और जो पहले रेलिया होती थी रेड़ी पट्टी वालों को लूटा जाता था, और अब की बार। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए सुरेंद्र, जुड़ने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ दिनेश हैं नरवाना से फोन लाइन पर, अगले दर्शक स्वागत है आपका। दिनेश बात रखिए अपनी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, ये रैली तो हर पार्टी करती है, जिसे एको हक है, मतलब ये अपना कुछ भी नहीं देखे गए जी यहाँ पर। अमित शाह जी इतने बड़े आदमी आए थे हरियाणा को, कुछ नहीं देखे गए, बल्कि जात आरक्षण आंदोलन के टाइम में 35,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमारी तबाह हो गई थी, उसके लिए भी कुछ नहीं कह करके गए। भाई आए थे, इन्होंने कुछ कहना चाहिए था। यशपाल मलिक से बुरी तरह से डर रहे थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो टकराया, हम तो आज ये सोचा थे शायद वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को वो मिनिस्टर बनाकर जाएगा जी। खाप पंचायतों से इन्होंने बात करनी चाहिए थी, उनसे तो बात नहीं करी, यशपाल मलिक से बात करने लग रहे हैं जी। चलिए या तो रैली के लिए कुछ नहीं, राजकुमार सैनी ने इतनी बड़ी रैली कर दी थी एक आदमी ने अकेले ने, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी भी नहीं इतनी बड़ी रैली रैली कर सके थे जितनी राजकुमार सैनी कर गया एक आदमी, जिससे सारे उस टाइम ये था की रैली। चलिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अपनी बात रखने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, सत्येंद्र यादव स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। जी अवंतिका जी नमस्ते। जी नमस्कार। जैसा कि आज अमित शाह जी ने जीन रैली में कह दिया कि मनोहर लाल की सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी को और अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के सामने आपने पूरा, पूरी जनता के सामने आपने पूरा झूठ बोला है। प्रदेश के प्रत्येक विभाग में आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, और कुछ मामलों में तो क्योंकि मैं आरटीआई स्पेशलिस्ट हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, और सीएम के लिए मैंने अपील की है, लेकिन कहीं सिर्फ अधिकारी सिर्फ काम के नाम पे इधर उधर लेटर सरकारें मतलब चिट्ठियां ऐसी घूम रही हैं, कोई काम नहीं, और भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल कोई सुधार नहीं हुआ है, पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार है, और पिछली सरकारों पे उंगली उठा देते हैं भाई, जो भी कुछ इनके बस में नहीं होता ना बीजेपी सरकार के किसी भी नेता के, आपने तो कहते हैं पिछली सरकार ने व्यवस्था बिगाड़ी, अरे अभी तो आपके 4 साल निकल गए, आपने क्या किया है भाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ अमित शाह जी को और खट्टर साहब को कि 10 में 10 सीटों को छोड़िए, अगर ये भ्रष्टाचार पे आपने अंकुश नहीं लगाया तो जनता सब जान रही है आपको एक भी सीट नहीं मिलने वाली। चलिए आपने खबरें अभी तक के माध्यम से बात कही है तो जरूर सियासतदानों तक पहुंचेगी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच हमारे साथ अगले दर्शक साधु सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। हाँ जी मैडम जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी मैडम जी, ये बोल रहे हैं ना हरियाणा के सभी गड्ढे खत्म कर दिए पिछले जो पार्टी सरकारों के थे। हाँ मैडम, कोई गड्ढा खत्म नहीं हुआ, गड्ढे तो अब पहले से बड़े हैं जी, गड्ढे बड़े हैं, भ्रष्टाचार बड़ा है, किसी काम में भी पूरा काम नहीं हुआ अभी तक जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए साधु सिंह, तो गड्ढे भरे नहीं है बल्कि गड्ढे बढ़ गए हैं। इसी बीच महेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका महेंद्र, बात रखिए अपनी। महेंद्र आवाज मिल पा रही है आपको? महेंद्र सुन पा रहे हैं आप? चलिए आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप महेंद्र। पवन हमारे साथ इसी बीच अगले दर्शक सोनीपत से फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका पवन, बात रखिए अपनी।
मैडम जी, ये बीजेपी की सरकार ने जो रैली की है ये इस टाइम में, हाँ मैडम जी मैं ये कह रहा हूँ ये हमेशा भ्रष्टाचार और आपस में लगवाया है मैडम, इन्होंने कुछ नहीं किया मैडम, भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार किया है मैडम आप। चलिए संपर्क टूट गया, सभी दर्शकों से दरख्वास्त है कि कृपया फोन करने से पहले अपनी टीवी की आवाज जरूर कम कर लें ताकि आपकी बात हम तक बेहतर तरीके से पहुंच सके, और जो आप अपनी सियासतदानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सुने आपको, तो वो भी उन तक बात तभी बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी। इसी बीच प्रदीप हमारे साथ चरखी दादरी से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका प्रदीप, बात रखिए अपनी। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि ये कर्मचारी और किसान विरोधी सरकार है, बिल्कुल सही है, इन्होंने साबित कर दिया जी। अभी बेस्ट टीचरों के मामले में तो ये कोर्ट का बहाना लगाते हैं, लेकिन कंप्यूटर टीचर जो एक मेरिट सिलेक्शन पे फेयर सिलेक्शन, उनका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, उनको भी अब रगलाने का काम कर रहे हैं, उनको बार बार इन्होंने हटाया है, अब भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल कर्मचारी और किसान विरोधी सरकार है, और इसको जनता जो है बिल्कुल करारा जवाब देगी इनको, किसी प्रकार से न तो लोकसभा में न विधानसभा में एक भी सीट किसी तरह की मिलने वाली नहीं जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए पवन। इसी बीच राजबीर हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका राजबीर, बात रखिए अपनी। हाँ जी, जी राजबीर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप, बात रखिए अपनी। मैं ये कह रहा था जी, जी ये बिल्कुल झूठी सरकार है जी, ये कह रहे थे हम सोने को पित्तल का भाव कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन आज सोना देखो जी कहाँ 32-33 हजार रुपए तोड़ा चल रहा जी। जी ये सारी झूठ है जी, झूठ बोले जा राजनीति करें जी, कोई भी पार्टी आ जाओ सारे ये इलेक्शन का टाइम पर जी। चलिए बहुत शुक्रिया राजबीर अपनी बात रखने के लिए। तो महंगाई कम करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक महंगाई जो है वो लगातार बढ़ ही रही है। इसी बीच प्रवीण हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका प्रवीण, बात रखिए अपनी। प्रवीण आवाज में जी बात रखिए अपनी। हाँ जी प्रवीण आवाज जी, प्रवीण आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं अपनी बात रखिए जी। ये जो रैली अमित शाह जी ने की है ना हरियाणा के अंदर जी, जो पूरा हरियाणा जलवा के इन्होंने जाट आंदोलन के दौरान और उन्हीं जाटों के समर्थन के बाद रैली की है, और उसके बाद भी ये फ्लॉप ही रही है, और इससे ये पता चलता है कि बीजेपी को हरियाणा में अब हरियाणा की जनता पसंद नहीं करती जी। चलिए बहुत शुक्रिया प्रवीण अपनी बात रखने के लिए। तो हरियाणा की जनता अब बीजेपी को पसंद नहीं करती है, ये बात कहना है प्रवीण का। इसी बीच अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना और बात रखिए। कुलदीप आवाज मिल पा रही है आपको, बात रखिए अपनी। कुलदीप बोल रहा हूँ जी, मैं सीएम सिटी से बोल रहा हूँ मैम जी, और मैं खट्टर जी से ये पूछना चाहता हूँ, पहले खड्डे तो बर्बाद है लाल सिटी के, और ये जो 10 लगा रहे हैं ना अगली बार आगे से 1 हटा देने, 0000 कर देने जी। चलिए बहुत शुक्रिया कुलदीप अपनी बात रखने के लिए। तो पहले गड्ढे बर्बाद दें, उसके बाद जो है आगे का विकास हो पाएगा, ये कुलदीप कह रहे हैं। इसके अलावा इसी बीच दीपक हमारे साथ जींद से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका दीपक, बात रखिए अपनी। जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने नंदीशाला स्टार्ट किया था जींद में जी, गौशाला है जो वहाँ पे हर रोज मिनिमम अगर देखा जाए तो 4-5 गायें डेथ हो जाती है, उसके बारे में आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है, और ये रैली वेस्ट ऑफ मनी है ओनली, क्या फायदा हुआ इसे, ये पता बताना था तो बस न्यूज चैनल पे आते और बोल देते कि हमने ये किया है और तो कुछ नहीं किया, तो उसके बारे में ही बोलना था कि वहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखने के लिए दीपक। तो पैसे की बर्बादी जो है इसे दीपक कह रहे हैं, आप सभी को क्या लगता है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, देश की आवाज का ये मंच आप सभी के लिए खुला हुआ है, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसी बीच रोहतक से अगले दर्शक प्रवीण भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका प्रवीण, बात रखिए अपनी। हेलो जी, हाँ मैं प्रवीण भारती बोल रहा हूँ जी। जी मैं कह रहा हूँ कि सरकार में ना बीजेपी सरकार में हरियाणा में नियमितताएं हर एक डिपार्टमेंट में दिखाई दे रही हैं, जो लोग ज्यादा धोखेबाजी जालसाजी और अपने ड्यूटी पर नहीं आते थे उनके अंदर एक भय का माहौल है कि कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी, बीजेपी इनको जो
अपने कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उन पे लगाम कसने में काफी कामयाब रही है। चलिए बहुत शुक्रिया प्रवीण भारती अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने में कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है, ये वो कह रहे हैं। मनदीप इसी बीच जींद से अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका मनदीप, बात रखिए अपनी। जी मैम, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। जी चलिए बहुत शुक्रिया मनदीप अपनी बात रखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो काम है वो सही तरीके से किया है, ये बात वो कह रहे हैं। इसी बीच प्रेम हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका प्रेम, बात रखिए अपनी। जी जी मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री जी अपने मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस तरह की जो भीड़ करते हैं इससे संदेश क्या जाता है, देश का नुकसान होता है पेट्रोल का, लोगों को असहूलियत का, ऐसे रोक क्यों नहीं लगाई जाती इन पर, और जो ये पैसा बर्बाद किया जाता है जनरल पब्लिक के लिए यूज किया जाए, किसी की अच्छे काम के लिए लगाया जाए इसको। जी तो मेरा तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात को आप वहां तक पहुंचाएं। बिल्कुल, आपने कहा है खबरें अभी तक पर देश की आवाज के इस मंच पर, तो आपकी बात जरूर सियासतदानों तक सुनी जा रही है, बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर कहने के लिए। अगले दर्शक अनीता हमारे साथ भिवानी से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका अनीता, बात रखिए अपनी। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, मैं ये बता देना चाहती हूँ, पिछली सरकारों से तो बीजेपी सरकार कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अमित शाह हुए या मोदी जी हुए, हरियाणा में जब इनकी सरकार है तो इनको रैली करने की नौबत क्यों आई? देखने की चीज ये है कि जनता के पैसे को ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। अगर युवा को रोजगार दे दे और धरातल पर काम करेंगे, किसान के रेट देंगे, अगर जनता खुश होगी तो वोट अपने आप दे देंगे, रैली में पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है इनको। बहुत शुक्रिया अनीता अपनी बात रखने के लिए। और अनीता कह रही है कि अगर इतना ही अच्छा काम किया है तो फिर रैली करने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसी बीच जयदीप हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका जयदीप, बात रखिए अपनी। हाँ जी सर, मैं ये बातें बोलना चाह रहा हूँ सर कि जो ये सरकार आई है बीजेपी, इसने तो हरियाणा में गदर मचा चुका है। जी हाँ जी, और जो ये रैली रखी हुई है, इतना बड़ा नेता आया हुआ है हरियाणा में के अंदर, तो ये कुछ हरियाणा के लिए कुछ करके क्यों नहीं गया, दे के कुछ नहीं गया ये। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए जयदीप। तो हरियाणा को कुछ नहीं मिला है, रैली की है उन्होंने, ये जो है मायूसी है। अगले दर्शक हमारे साथ पंचकुला से फोन लाइन पर हैं, राकेश स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। जी नमस्कार, बात रखिए अपनी। मैडम ऐसे है, ये पैसे इतना बर्बाद करते हैं कि पेट्रोल पे, बंदों पे, अब कितनी आर्मी आई है, कितने पैसे बर्बाद किए इन्होंने। जो बंदा काम एमएलए अच्छा काम करता है, आप एमपी अच्छा काम करता है, आप देखेगा ये फजूल खर्ची, ये लोगों के पैसों को बर्बाद करना और दिखाना, किराए के बंदे लेके आना या फलाने बंदे इकट्ठे करके, कोई फायदा नहीं है। जी सभी पार्टी को है, जैसे पार्टी भी, पर इन्होंने ज्यादा वो कर दी है। चलिए बहुत जी चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए राकेश। राजपाल हमारे साथ चरखी दादरी से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका राजपाल, बात रखिए अपनी। राजपाल सुन पा रहे हैं आप? चलिए संपर्क टूट गया है, आप एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और इसी बीच संदीप हमारे साथ सिरसा से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका संदीप, बात रखिए अपनी। हाँ जी थैंक यू मैम। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये एक दंगेबाज सरकार है, इन्होंने कितने बार दंगे करवाए किसानों को, मतलब कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, तो ये फालतू का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार जो है इसको लेकर कह रहे हैं कि इतने दंगे करवाए प्रदेश में, लेकिन साथ ही किसानों को जो उम्मीदें थी इस नई सरकार से वो जो है किसानों को नहीं मिला है, मायूसी महज किसानों को हाथ लगी है इस सरकार के कार्यकाल में। बंटू हमारे साथ दिल्ली से इसी बीच अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका बंटू, बात रखिए अपनी। देखिए जिस तरह से आज मोदी ने अग्रेसिव मोड पर पूरी अपनी रूपरेखा है, अपने सरकार के फैसलों का लेखा जोखा रखा है, उससे साफ पता लगता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी हरियाणा के अंदर दोबारा आने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि परंतु दूसरी बात ये है कि संगठन के लोगों का, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ सरकार में, तो जहां तक है वो काफी लोग नाराज हैं, संघ के हैं या बाकी जो इनकी मेन टीम है, जो जमीनी जो लोग हैं वो
सरकार से नाराज हैं क्योंकि उन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार अब जो समय बचा है उसमें किस तरह से कार्यकर्ताओं को भी खुश करेगी और जनता को भी खुश करेगी, क्योंकि जनता भी तीन दंगों से परेशान हो चुकी है। चलिए बहुत शुक्रिया बंटू अपनी बात रखने के लिए। राकेश पंचकूला से एक बार फिर से हमारे साथ फोनलाइन पर है, स्वागत है आपका राकेश, बात रखिए अपनी। मैडम ऐसे जे इतनी पार्टी है जे पैसे देखो मोटरसाइकिल वो इकट्ठे करने, अब जो मुख्यमंत्री है वो भी मोटरसाइकिल चला रहा है जी, ड्रामेबाजी करनी, इतने पैसे बर्बाद करने, इतनी आर्मी मंगवाई, इतनी पुलिस हो है, क्या फायदा है? देखो जो बंदा एमएलए जानती है अच्छा काम करता है तो अपने आप बन जाता है, जे ढकोसेबाजी ये करके जीतना कोई फिर वो काम होते हैं, क्या फायदा है इन चीजों में? हर एक पार्टी को नहीं करना चाहिए। हाँ। पता नहीं इनको क्या है कि पैसे मोदी को ज्यादा हाय मोदी करवाने का, पर ये पता नहीं इनको क्या हुआ है। चलिए सिंपल रहो, अपने आप लोगों काम किया तो अपने आप जिताएंगे। बहुत शुक्रिया राकेश अपनी बात रखने के लिए। संदीप हमारे साथ सिरसा से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका संदीप, बात रखिए अपनी। संदीप आवाज मिल पा रही है आपको? संदीप सुन पा रहे हैं आप? चलिए आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राजपाल चरखी दादरी से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका राजपाल, बात रखिए अपनी। हाँ जी जी बात रखिए अपनी। सरकार बढ़िया काम कर रही है बीजेपी की। जी हाँ जी चलिए बहुत शुक्रिया राजपाल अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार जो है अच्छा काम कर रही है राजपाल को ये लगता है, आप सभी को क्या लगता है? आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करें और आप अपनी बात देश की आवाज के इस मंच पर रख सकते हैं। दीपेंद्र हमारे साथ शिमला से फोन लाइन पर है अगले दर्शक, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। हाँ जी मैडम जी, जब से हम पढ़े लिखे लोग हो गए इस देश के जी, ठीक है, मोदी जी ने जिस प्रकार से हमसे बात की है, मोदी जी ने जो वादे हमसे रखे थे है ना जी, बिल्कुल भी कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं। भ्रष्टाचार के बारे में ये बोलते हैं तो भ्रष्टाचार में आप आज देख लीजिए, मोदी 11,000 कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया है ना जी, युवाओं को क्या मिला है, बेशक हम हिंदू है लेकिन हमको गाय के नाम पर वोट बैंक के लिए साथ दे रहे और खुद का अपना धंधा जो है गाय के मीट से पैसा कमाना है जी। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, अच्छे अरविंद केजरीवाल जैसे नेता चाहिए हमारे को देश के लिए। चलिए बहुत जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए दिकेंद्र। तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से देश चलेगा ये बात वो कह रहे हैं, और साथ ही हालांकि आज जींद में हुंकार रैली के माध्यम से, युवा हुंकार रैली के माध्यम से अमित शाह ने 2019 चुनावों का आगाज कर दिया है, जिसको लेकर अब देखना होगा। हालांकि इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 10 की 10 सीटें इस बार चाहिए हरियाणा प्रदेश में, जनता कितना साथ देगी ये आने वाले चुनावों में साफ हो जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक, नमस्कार।